हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। और आज मैं मैथमेटिक्स 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा जो कि CHSE प्लस टू एग्जाम में आ जाया है। तो आई होप यू गाइस आर लाइक माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं एक वीडियो डाला हूं जो करियर आफ्टर प्लस टू साइंस, वो भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि अपना करियर साइंस में बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देन राइट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। तो अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्लस करेंगे और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर जीरो आ रहा है। इसका आंसर जीरो आ रहा है, जीरो। उसके बाद राइट द वैल्यू ऑफ के सच दैट द लाइन एक्स माइनस फोर बाई वन वाई माइनस टू बाई वन इक्वल टू जेड माइनस के बाई टू लाइज ऑन द प्लेन। तो अगर हम लेंगे तो ये पार्लल आएगा प्लेन। तो उसके बाद अगर हम पुट करेंगे ये पॉइंट जो फोर टू के वैल्यू इधर में, तो आंसर के इक्वल टू सेवन आ रहा है। उसका आंसर के इक्वल टू सेवन आ रहा है। चलिए देखते हैं। उसके बाद इफ आर इज ए रिलेशन ऑफ ए सच दैट आर इक्वल टू आर इनवर्स राइट टाइप ऑफ रिलेशन आर। तो जानते हैं कि ए रिलेशन ऑन ए मांग रहा है, तो हमारे आंसर सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन उसका आंसर आएगा। सो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस फॉर थ्री बाई टू। लाइक जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होता है और थ्री पाई बाई टू वैल्यू आता है, तो इसका आंसर थ्री पाई बाई टू आना चाहिए। तो मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद इफ ये डिटर्मिनेंट दिया है वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस, उसका डिटर्मिनेंट निकाले और कंपेयर करिए तो ए का आंसर वन आना चाहिए। तो ए का आंसर वन ही आ रहा है, वन। मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद लेट ए एंड बी भी टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स में दो इंडिपेंडेंटली कॉन्सेप्ट होता है, प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ए वन बाई टू, प्रोबेबिलिटी बी वन बाई थ्री। राइट डाउन द ए इंटरसेक्शन भी जानते हैं कि इतना आएगा, जीरो आएगा आंसर। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फंक्शन में जीरो आता है, अगर करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। उसके बाद इफ एफ डैश टू प्लस इक्वल टू जीरो एफ डैश टू माइनस इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज द एफ एस कंटिन्यूअस इक्वल टू टू। एक्स स्क्वायर फंक्शन आएगा क्योंकि उसका माइनस प्लस में सेम आता है, तो कंटिन्यूअस होता है एक्स इक्वल टू टू में, कंटिन्यूअस आएगा एफ एक्स फंक्शन। तो ये इसका आंसर यस होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद इफ फाइव एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स एफ डबल डैक्स इक्वल टू जीरो फॉर जीरो लेस देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू वन जीरो वन के अंदर एक्स है, तो व्हाट इज द वैल्यू एक्स इक्वल टू हाफ पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमम होगा। अगर डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करते हैं जीरो हो जाएगा। एफ फंक्शन ऑफ एक्स पॉजिटिव में आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव में आने के कारण मुझे लग रहा है कि मिनिमम होगा आंसर, मिनिमा होगा आंसर उसका लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इनका आंसर सही है कि नहीं। चलिए देखते हैं। उसके बाद एफ इज एन ऑड फंक्शन देन राइट द वैल्यू ऑफ एफ। ऑड फंक्शन साइन का भी ऑड फंक्शन होता है, कॉस का इवन फंक्शन, इवन ऑड ऑड होता है। और ये एफ ऑफ साइन स्क्वायर ये इवन हो जाएगा, ये ऑड ऑड होगा, तो ऑड बाई ऑड ऑड होगा। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर करेंगे माइनस है टू सिमेट्रिक स्टेट में तो उसका आंसर जीरो आएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो आ सकता है, जो बताइए जीरो आंसर। उसके बाद राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन इज गिवन, सॉल्यूशन दिया है और मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन मैं बता रहा हूँ आंसर क्या है। आप कमेंट करके बताइए सही है कि नहीं। अगर ऑर्डर दिया है कॉस को निकालेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस सी थ्री माइनस साइन एक्स साइन सी थ्री, तो ये दोनों फंक्शन एक आएगा और ये एक फंक्शन है, तो तीनों कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा है विथ वैल्यू ऑफ एक्स। तो मुझे लग रहा है ऑर्डर थ्री आना चाहिए, ऑर्डर थ्री। इसका आंसर मुझे लग रहा है थ्री। आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये मेरा 1 मार्क क्वेश्चन का था आंसर। आई होप यू गाइज आर लाइक इट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।